छतरपुर में एक टीचर की पिटाई उन्हीं के स्कूल के ड्राइवर ने कर दी। पूरी घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना नौगांव के नवोदय स्कूल की है। नवोदय स्कूल में पदस्थ टीचर पी के गुप्ता और स्कूल के ड्राइवर ओपी शुक्ला के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। ड्राइवर की हरकत से टीचर के परिवार के लोग भी परेशान थे। इसी विवाद को निपटाने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने रूम पर दोनों को बुलाया था। जब प्रिंसिपल से टीचर की बात हो रही थी तभी ड्राइवर ने अचानक अपना आपा खोया और पास ही रखी कुर्सी से टीचर पर हमला बोल दिया। कुर्सी लगने से टीचर नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। टीचर के बेहोश होते ही प्रिंसिपल रूम में हड़कंप मच गया। बाद में वही ड्राइवर जिसने कुर्सी टीचर को मारी थी वह पानी की बोतल लेकर आता है और बेहोश पड़े टीचर को पानी डालकर होश में लाता है। ड्राइवर की इस हरकत से पीड़ित टीचर ने नौगांव थाने में शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं प्रिंसिपल ने ड्राइवर की इस हरकत के खिलाफ अपनी जांच प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को भेजकर उस पर विभागीय कार्यवाही को लिखा है। अब हम आप लोग को क्या बताएं, ये लगातार काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। जो ओपी शुक्ला ड्राइवर हैं वो लगातार गलत हरकतों में हमारे साथ में लगे हुए हैं, परिवार के साथ भी हरकत कर रहे हैं। मेरी बेटियां बड़ी हैं, बगल में हम रहते हैं, आमने सामने घर है, वो शिक्षक ब्लॉक में ही हमारे सामने रहते हैं और कई बार प्राचार्य महोदय से भी निवेदन करा, उन्होंने समझाया। पिछली बार लॉकडाउन के पीरियड में भी उन्होंने हमारे बगीचे में घुस करके हमारी बच्चों और परिवार के साथ में अभद्र हरकत करने की कोशिश करी थी। इनका बड़ा बेटा भी मनीष शुक्ला साथ में रहता है, जो इस तरह की चीज़ों में संलिप्त रहता है। हम लोग प्रदेश से आए हुए हैं, नवोदय विद्यालय में यहाँ सेवा कर रहे हैं, और यदि प्रदेश से आने के बावजूद भी जो लोकल के लोग हैं इस तरह की चीज़ें हमारे साथ करेंगे तो हम अपने परिवार और बच्चों की सेफ्टी और सुरक्षा कैसे कर पाएंगे, हम समझ नहीं पा रहे हैं। कल से हम बहुत दुखी हैं और हमारे साथ जो इस तरह का हमला हुआ है, हमारी जान भी कल जा सकती थी, पर किसी तरह हमारे बच्चों के भाग से वो जो जान है वो हमारी बच गई। जवाहर नवोदय विद्यालय में जो प्रणव कुमार गुप्ता शिक्षक पदस्थ हैं, इनके द्वारा ये घर के विवाद को लेकर प्राचार्य महोदय के समक्ष उपस्थित हुई थी। उन्होंने तो वहीं जो घर के पद पर पदस्थ हैं शुक्ला जी, इनके द्वारा इनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर प्राचार्य कक्ष में मारपीट की गई थी। इस पर हमारा जो ड्राइवर साहब हैं ओपी शुक्ला, और वो हमारे पास आए थे 10 बजे के, तो उन्होंने ये कहा कि सर इन्होंने वीडियो वायरल कर दिया है और हम ये कहते हैं कि आप हमारे घर के सामने बाथरूम फेंकते हैं और पूरा अनवांटेड मटेरियल फेंकते हैं, ठीक है ना। और ये उन्होंने मतलब ये कह रहे थे, तब तक गुप्ता जी नहीं थे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, वो चले गए कहते। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा आए, और दोबारा आने के बाद तब तो गुप्ता जी भी आ गए जिनके द्वारा हमला हुआ। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ई का गुरु बने गा रहे हो। श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे। सर छिपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ उगड़ू, बन जाओ उगड़ू। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं, और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों, बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।